पानी की मोटर चुराने वाली गैंग, पुलिस ने 5 आरोपियों से 4 लाख के 18 मोटर पंप जब्त किए। मोटर चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका MP7 न्यूज में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की खास खबर। मंदसौर के अफजलपुर में पानी की मोटर चोरी होने की घटना हो रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 18 विद्युत पंप जब्त किए हैं। मोटर चुराने वाली इस गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। अफजलपुर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि दलोदा और नई आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 6 महीने से कई किसानों के कुओं पर लगी पानी की मोटर अज्ञात चोर चोरी कर रहे हैं, जिसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पिछले दिनों पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र मजबूत किया और इनसे मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के कुचड़ों के कुछ लड़के विद्युत मोटर चुराकर जावरा में कबाड़ी को बेचते हैं। सूचना पर पुलिस ने लावखेड़ी गांव में नाकाबंदी कर कुचड़ों निवासी 4 बदमाश पवन पिता राधेश्याम कुमावत उम्र 22 वर्ष, कन्हैयालाल पिता शांतिलाल कुमावत उम्र 23 वर्ष, दीपक पिता गोपाल कुमावत उम्र 24 वर्ष, सत्यनारायण उर्फ सत्तू पिता बद्रीलाल कुमावत उम्र 25 वर्ष के कब्जे से 3 पानी की विद्युत मोटरों के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे 2 बाइक भी जब्त की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कुचड़ गांव के किसानों के कुओं से विद्युत पंप चोरी करने की बात कबूल की। सख्ती से पूछताछ करने पर करीब 24 मोटरें चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने करीब 11 विद्युत मोटरें जावरा निवासी शाकिर उर्फ बैयू पिता मोहम्मद सिद्दीक उम्र 25 वर्ष कबाड़ी को बेची थी। पुलिस ने विद्युत पंप खरीदने वाले कबाड़ी को भी आरोपी बनाया है। साथ ही एक बात अपचारी भी वारदात में शामिल था। आरोपियों की निशादेही से 5 और 3 HP की 18 विद्युत मोटरें जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।